हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज पूजा. वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. आज है मंडे, सो अ वेरी हैप्पी वीक टू ऑल ऑफ यू. नए हफ्ते की शुरुआत करते हैं हैप्पी पॉजिटिव एनर्जी से. सो सुबह अभी बज रहे हैं 11:30, बाय द वे इट्स 11:30 इन द मॉर्निंग. एंड बारिश का ये हाल था कि सुबह तक बारिश बहुत हो रही थी. इनफैक्ट 1 आवर पहले तक बारिश हो रही थी, बट अब थोड़ी थोड़ी धूप निकली है एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट. अब घर के खिड़की दरवाजे सब खोलूंगी ताकि थोड़ी धूप अंदर आए. बहुत तेज नहीं है, हल्की हल्की धूप निकली है, बट आई एम हैप्पी टू सी दैट. आई थिंक वी चेन्नई आइट्स आर हैप्पी विद द हॉट हॉटर एंड हॉटेस्ट डेज दैन दीज नैस्टी रेन्स. बहुत परेशान कर दिया इस बारिश ने. बैक टू बैक नवंबर शुरू हुआ है तब से अभी तक ऑन एंड ऑफ रेन्स एंड लगातार चार चार दिन, पांच पांच दिन धूप नहीं निकलती है. सो वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम दीज रेन्स नाउ. सो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग. ओ या, बिफोर वी स्टार्ट इन आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल अपडेट कि माई लेग इज अ लिटिल बेटर नाउ. इट्स नॉट कम्प्लीटली फाइन, बट इट्स अ लिटिल बेटर. आई थॉट आई विल मीट माई ऑर्थो टूडे, बट ही इज नॉट अवेलेबल. वो मंडे नहीं आते हैं. सो द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दैट दे कैन गिव मी इज टुमारो आफ्टर 6 PM, दैट इज कल शाम का, ट्यूजडे शाम का. सो लेट्स सी, अगर कल तक मैं और बेटर हो गई तो मे बी आई विल नॉट गो टू मीट अ डॉक्टर. बट कल तक अगर ऐसे ही रहा मेरा पैर तो मुझे दिखाना पड़ेगा. सो या, शुरू करते हैं आज का व्लॉग. चलते हैं पहले बैल्कनी में. ओ या, बाय द वे मैं यहाँ आई थी बच्चों के रूम की विंडोज ओपन करने के लिए कि थोड़ी धूप आए अंदर. सो आई डू दैट फर्स्ट. कर दिया है ये काम, अब चलते हैं बैल्कनी में. आई विल शो यू कि आज कैसा दिन निकला है, कितनी धूप आई है, बारिश का क्या हाल है. धीर इज टेकिंग हिज ऑनलाइन क्लास. So that's the weather for you. A lot better. अभी एक घंटे पहले तक बारिश हो रही थी, बट अब काफ़ी बेटर है. सो आई एम होपिंग धूप निकले, तेज़ धूप निकले, ताकि घर में ये सीलन वीलन की प्रॉब्लम ख़त्म हो. सो ये है मेरे रूम का हाल कुछ. अभी करूँगी रूम साफ एंड देन फटाफट सारे घर का काम निपटाएंगे एंड देन लगेंगे किचन में. दो आई वोंट स्ट्रेन माई सेल्फ मच, जितना मेरे से हो सकेगा आई विल डू. डन क्लीनिंग माई रूम एंड विंडोज़ तो मैं पहले ही ओपन कर चुकी हूँ ताकि थोड़ी धूप आए, फ्रेश एयर आए घर के अंदर. लाइकवाइज आई क्लीन दी अदर रूम्स एंड देन मिलती हूँ आप सबसे. ये कपड़े यहाँ सुखाए थे बारिश की वजह से. नाउ आई विल सिट एंड फोल्ड क्लोथ्स बिकॉज आई हैव बीन स्टैंडिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई विल सिट डाउन एंड फोल्ड दीज क्लोथ्स एंड उनको कबर्ड में जमा दूंगी आफ्टर आई एम डन विद इट. सो द वर्क दैट यू सॉ नाउ विच इज़ हैपनिंग इज जो ऊपर पेड़ था जो सैटरडे को चॉप किया, उससे बहुत ज़्यादा गंदगी हुई. ऊपर ऑलरेडी रहती थी उस पेड़ से पत्ते जो झड़ते थे वो.
So they have cleaned, we've called some people here to help us. I mean, not to help, they are doing it all by themselves. We are just guiding them. So they cleaned the entire terrace. They washed the entire terrace and up they are washing the staircase. And phir niche ka jo jagah hai, garage and other places, they'll wash it completely. और जो भी गंदगी थी पेड़ काटने के बाद, बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ द ट्री द कॉर्पोरेशन पीपल हैड कम एंड लिफ्टेड इट अप. पेड़ काटने की वजह से जो कचरा हो गया था इतना सारा, वो अभी क्लीन हुआ है. कल बारिश की वजह से नोबडी केम बिकॉज इट वॉज रेनिंग थ्रू आउट द डे येस्टरडे. सो आज सुबह ये लोग आ गए थे, सुबह सुबह आ गए थे एंड देन सुबह से ये लोग लगे हुए हैं. एंड हैट्स ऑफ दैट दे आर डूइंग अ प्रिटी गुड जॉब. So, which is why we are a little relaxed. Otherwise, it was a mess all around the house. Pure compound mein, terrace pe, staircase pe, pura mess ho gaya tha after Saturday. So, ye log ab clean kar chuke hain. So, that is one thing good that happened today. Abhi kapde samet rahi hoon. Samette, I thought I'll go out, check what they are up to. Because, you know, pani ka kaam tha. So, Vipul was asking me to stay indoor because in case main slip ho gai, as it is, I have pain in my leg. So I wasn't going out. So, but then I was so curious to see कि ये ढंग का काम कर भी रहे हैं या नहीं, which is why I went out and they are doing a pretty good job. So I'm satisfied now. I'm back to my work of folding clothes, folding laundries and arranging them in the wardrobe. तो वो करके मिलती हूँ आपसे. लंच का कोई लोड नहीं लिया है. आई थिंक वी विल जस्ट मेक खिचड़ी. मैं अभी चढ़ा दूंगी खिचड़ी, जाके हाफ एन आवर में रेडी हो जाएगी. सो अराउंड 1:30 वी विल हैव आर लंच. ओ नो, नॉट 1:30, क्योंकि 2 बजे तक धीर की म्यूजिक क्लास है. ही इज टेकिंग हिज म्यूजिक क्लास नाउ. सो वंस धीर कम्प्लीट्स हिज म्यूजिक क्लास, हम लोग अपना लंच कर लेंगे. आई एम सेइंग डिनर कर लेंगे, हम लोग अपना लंच कर लेंगे. एंड मुझे इंस्टाग्राम के लिए कुछ शूट भी करना था. आई हैवन बीन पोस्टिंग एनीथिंग ऑन इंस्टाग्राम ऑफ लेट बिकॉज ऑफ टू मेनी थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ. सो आई विल पोस्ट समथिंग टूडे. लेट्स सी वॉट आई क्रिएट. समथिंग वेरी लाइट. स्प्राउट्स रखे हैं थोड़े बचे हुए, सो मे बी स्प्राउट्स चार्ट आई विल मेक एंड पोस्ट दैट वीडियो. सो जो भी है मैं आपको बताऊंगी. सो सी यू गाइज इन अ वाइल्ड. स्टे ट्यून एंड वॉच द व्लॉग टिल द एंड. चल रही है म्यूजिक क्लास एंड यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये बारिश तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. माय गुडनेस, इट्स बीन रेनिंग हेवीली नाउ. पिछले 15 मिनट से तेज बारिश हो रही है. Sick of these rains now. बाप रे, पता नहीं कब खत्म होएगी ये बारिश. क्लास खत्म. यस सर, वाज टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स. कब होने वाले हैं कीबोर्ड एग्जाम्स? इतनी तेज बारिश, तेरे फ्रेंड्स क्या खेले होंगे. अच्छा हुआ तो नहीं गया है ना. या चलो पैकअप 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 पैकअप. खाना खाएंगे. कहाँ, मैं सुबह इतनी खुश हो रही थी कि बारिश बंद हो गई, धूप आने लग गई है हल्की हल्की, और अब इतनी तेज़ बारिश, परेशान हो गए लिटरली. यू नो, जब से नवंबर शुरू हुआ, यूजुअली दिसंबर इज़ द पीरियड वेयर चेन्नई हैज़ द मैक्सिमम रेनफॉल, एंड नवंबर में इतनी बारिश चेन्नई में आई डोंट थिंक आई रिमेम्बर कि कभी हुई हो. और जब से नवंबर शुरू हुआ है, एवरी वीक आफ्टर दी अदर कोई ना कोई तूफान आ जाता है, कोई साइक्लोन आ जाता है. सो ये हाल है चेन्नई का, बहुत ज़्यादा ख़राब हाल है. अब मैंने फटाफट से दोबारा सारी खिड़कियाँ बंद करवाई एंड मेरे पैर में भी पेन होने लग गया है. आई थिंक बिकॉज आई वर्कड अ लिटिल टू मच टुडे. मुझे नहीं करना चाहिए था इतना विदाउट सीइंग अ डॉक्टर. तो अब आई एम जस्ट रेस्टिंग. ये सारे कपड़े समेटे हैं, धीरे धीरे करके बाद में अरेंज कर दूंगी. आई एम जस्ट केप्ट इट असाइड नाउ, बाद में अरेंज करेंगे. चलो गाइज, मिलती हूँ खाना खा के. आई हैवन्ट इवन हैड माई शावर येट और 2 बज गए हैं. खाना खा के मिलती हूँ, आई थिंक उसके बाद शावर वगैरह लेके, देन आई विल सी यू ड्यूरिंग द टी टाइम नाउ. हाई गाइज, बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो मैंने लंच किया, उसके बाद लंच करके मैं बस ऐसे ही बैठी रही थोड़ी देर एंड
सडनली मुझे नींद आ गई एंड आई स्लेप्ट फॉर आवर्स. आई थिंक आराम से मैं 2-2.5 घंटे सोई हूँ, है ना, 3 o'clock. 2-2.5 घंटे सोई 2-2.5 घंटे मैं सोई हूँ बहुत आराम से और बहुत अच्छी नींद आई मेरे को. एंड उसके बाद उठे, चाय वाय पिया एंड देन आई हैड माई शार सो लेट टुडे. और बस अभी चल रही है खाने की तैयारी. खाने में है डोसा एंड मैंने सोचा आई वॉन्ट ईट मच. आई एम गोनो, ये जो लड्डू है जो मुझे कॉफ़ी शास्त्रा बॉक्स में मिले थे, न्यूट्री लड्डू, इस बॉक्स में, इफ़ यू रिमेंबर आई शोड दिस, दीज आर वेरी टेस्टी, वेरी हेल्दी. दीज आर मेड विद द होल मूंग दाल, रेड राइस, सेसमे सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सब के मिला के टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है. बच्चों को नहीं पसंद आएगा. आई मीन इनफैक्ट इवन विपुल डिडंट लाइक मच, है ना, इवन ही डिडंट लाइक मच, बट मुझे अच्छे लगे प्योरली बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस. एक तो इसमें शुगर नहीं है, मैं शुगर का कुछ भी नहीं खाती हूँ. लाइक मुझे सौगंध है मीठे की. बाहर का बना, घर का बना आई एम अलाउड टू ईट. सो इसमें शुगर नहीं है, जैगरी है एंड प्लस इट इज़ सुपर हेल्दी विद ऑल द होल ग्रेन्स एंड पल्सेस एक्सेट्रा, सीड्स, पल्सेस एक्सेट्रा. तो ये बहुत ही हेल्दी है. सो विच इज़ वाई आई थॉट आई हैव दिस विद वन लड्डू विद वन ग्लास ऑफ मिल्क. आई एम नॉट वेरी हंग्री. और पैर का दर्द मेरा इज़ मच मच बेटर नाउ सुबह से. जब मैं आफ्टरनून में सोई थी पोस्ट लंच, तब तक मेरा पैर का दर्द थोड़ा ज़्यादा था. इनफैक्ट आई ऑल्सो कॉल्ड अ फिजियोथेरेपिस्ट इफ़ शी कैन कम होम एंड हेल्प मी आउट, बट शी सेड ड्यू टू रेन आई कैन नॉट कम. तो मैंने सोचा चलो फिर वेट करके कल डॉक्टर को दिखा लेंगे, बट बाकी कल का कल देखेंगे. एंड या दैट्स ऑल, द रेन्स हैव स्टॉप्ड आफ्टर दैट. आफ्टरनून में जो तेज़ बारिश आई थी उसके बाद इट टोटली स्टॉप्ड, सो दैट इज़ वन थिंग गुड. सो येस फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग. आई एंड दिस व्लॉग हियर. खाना वाना खा के सोने की तैयारी करेंगे एंड आई विल स्टार्ट एडिटिंग दिस व्लॉग सो दैट आई कैन पोस्ट इट टुमारो मॉर्निंग. सो बस यही था आज का व्लॉग. और हाँ, इंस्टाग्राम के लिए मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया एंड आई वॉजेंट टेकिंग एनी लोड ऑन माई सेल्फ कि ये करना है, इट्स बीन पेंडिंग. आई एम गोन टू टेक इट वेरी लाइटली. आई एम नॉट गोन टू स्ट्रेस माई सेल्फ कि पोस्ट नहीं गई है इंस्टाग्राम की, इट्स ओके, एक दिन और नहीं गई चलेगा, आई विल डू इट टुमारो. So yeah, that's it. I'm ending this vlog here, friends. I hope you liked watching it. And if so, please like, share and subscribe and share it with your friends and family. So yeah, and don't forget to follow me on Instagram. Matan Ladle is my account. So see you tomorrow on a new day with a new vlog. Until then, take care. Bye-bye.